हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। जो आपको इस वीडियो में इस बारे में बताने जा रहा हूँ, एमएम एड के बारे में, कि आपको जो है इसमें क्या क्या किस तरीके से सारी चीज़ें करनी होती है। इसमें एडमिट कार्ड जो है आपका रिलीज़ कर दी गई है, आपको वो कैसे जो है आपको डाउनलोड करनी है, या फिर कैसे आपको जो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें करनी है। चलिए देखते हैं स्टेप बाई स्टेप। किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करना है एमएम 2021 IAS पर। IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आप एमएमएड के लिए सारी सर्विस नोटिफिकेशन आपको मिलती है। सबसे पहले तो आपको जो है सर्च करनी है। जैसे सर्च करते हैं आप एक्जैक्टली ये फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर देनी होती है। जैसे क्लिक कर देते हैं आप इस स्टेप पे ओपन हो जाते हैं। एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप इस फॉर्म को जरूर फिल करना। आपका नाम, ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, अपना सिटी सेलेक्ट करके आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है, फिर आपको गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आ जाएंगे। तो आप गेट फ्री काउंसलिंग पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखे थे कि एडमिट कार्ड जो यहाँ पर रिलीज़ हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक कर रहा होगा। उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा। देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में, देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें भी अप्लाई करना होगा। UPSC यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GT गोयनका, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, माना रचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRMU, SSIU। तो यहाँ पर आप अप्लाई नाम पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो उस यूनिवर्सिटी के लिए जिसमें भी आपको एडमिशन लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या है वो चीज़। ओके, यहाँ पर मेन सीजन्स का एडमिट कार्ड यहाँ पर देखे थे। PBT और CBT कोर्स के लिए SBN अवेलेबल हो चुके हैं 23 जून को। क्लिक है टू एडमिट कार्ड डिटेल्स पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर डाउनलोड फेब्रुवरी सीजन का हॉल टिकट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं जैसे, तो न्यू टैब में ओपन होते हैं। अब यहाँ से क्या करना होता है आपको, आपका एग्ज़ाम ऑप्टेड यहाँ पर जो आपको पेपर बेस पर रहता है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना था, कंप्यूटर या फिर पेपर बेस पर जो भी है ऑप्शन है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर, आपका डेट ऑफ बर्थ आपका क्या, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करके आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है और बहुत ईजी, काफ़ी जो है ईजी है, जिस वजह से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और ईजीली आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। कुछ भी डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पेज का लिंक दे रखा है, जिसे ओपन करके आप इस पर देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।